नमस्कार दोस्तों, खबर लोक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर लोक चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की देव दर्शन यात्रा का झुंझुनू के उदयपुर वाटी में साकंबरी मैया की पूजा के साथ समापन हो गया। पंडित केदार शर्मा के सानिध्य में पंडितों ने पूजा अर्चना करवाई। इससे पहले झुंझुनू सीमा से लेकर साकंबरी तक कई जगहों पर हजारों की संख्या में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। पूर्व सांसद संतोष अहलावत तथा पूर्व विधायक सुकर्ण चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इसके बाद साकंबरी मैया के दरबार में पूजा अर्चना की गई। पूजा अर्चना के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि उन्होंने संकल्प लिया था कि 2 साल कोरोना के कारण वे देवी देवताओं के दर्शन नहीं कर पाए, इसलिए दिवाली से पहले 9 देवियों के दर्शन करने हैं, जो साकंबरी मैया के दर्शन के साथ उनका संकल्प पूरा हो गया। उन्होंने इस यात्रा को चुनावी यात्रा या फिर आगे फिर से कोई चुनावी यात्रा के सवाल पर कहा कि अभी बहुत जल्दी है, चुनावी यात्रा का समय अभी नहीं आया है। उन्होंने कहा कि यह पूर्णतया उनकी धार्मिक यात्रा है। इस मौके पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पहली बार कांग्रेस के आपसी झगड़े पर बोली और आक्रामक नजर आई। उन्होंने कहा कि लंबी बीमारी और फसल खराबी की वजह से किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन नेता केवल दौरे कर रहे हैं लेकिन सूद कोई नहीं ले रहा। खासकर प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे इन समस्याओं का समाधान करें, पर उन्होंने भी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सब लोग अपनी कुर्सी में बिजी हैं। वहीं आपसी झगड़े में राजस्थान की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। पूर्व सीएम यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि चुनावों में किसानों को सस्ती बिजली देने का वादा किया गया था। एक बार कहा कि 50 यूनिट फ्री दे रहे हैं, लेकिन अब किसानों से फीडबैक मिल रहा है कि फ्री बिजली तो दूर, उनकी बिजली को महंगा कर दिया गया है। पहले के मुकाबले बिल 1.5 से 2 गुना बढ़ गया है। 2 सालों में 4 लाख कृषि कनेक्शन का वादा करने वाली सरकार 1 साल में महज 20,000 कृषि कनेक्शन दे पाई है। आगे आने वाले 1 साल में शेष कनेक्शन नामुमकिन है। यह सरकार वैसे ही वादे पूरे करते हैं जैसे चुनाव के वक्त 10 दिन में किसानों के कर्जे माफ करने के वादे किए थे। जानकारी के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जयपुर से रवाना के बाद चौमू, रिंगस, खंडेला, श्रीमाधोपुर, उदयपुर वाटी सहित अनेक स्थानों पर गर्मजोशी के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। जगह जगह स्वागत में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का स्वागत किया गया। स्वागत से वसुंधरा राजे गदगद नजर आई। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सीकर और झुंझुनू में आगमन के दौरान दोनों ही जिले के जिला अध्यक्ष नदारद हैं। सीकर जिले की जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी और झुंझुनू जिले के जिला अध्यक्ष पवन मावंडिया वसुंधरा राजे के दौरे से नदारद रहे। सांसद नरेंद्र कुमार भी दिखाई नहीं दिए। भाजपा के झुंझुनू के पूर्व जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह जरूर कार्यक्रम में मौजूद रहे, जो वसुंधरा राजे गुट के भी बताए जाते हैं। वहीं दोनों जिला अध्यक्षों को लेकर यह बताया जा रहा है कि लक्ष्मणगढ़ में होने वाले भाजपा के कार्यक्रम को लेकर जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी कार्यक्रम की तैयारी में जुटे हैं। झुंझुनू भाजपा की वर्तमान कार्यकारिणी में से सिर्फ भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र भांबू पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के स्वागत में दिखाई दिए। डूनलोद के युवा नेता गिरधारी इंदौरिया भी काफी सक्रियता के साथ नजर आए और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ राजे का स्वागत किया गया। अभी यही यात्रा है तो बहुत जल्दी है, अभी तो कुछ ये बातें नहीं है। मेरा तो क्या है कि ये कोविड वगैरह जो आप लोगों का हुआ है उसकी वजह से जो नॉर्मली होती है बातें वो हम लोग नहीं कर सके। सब लोग अपने अपने जहां जहां थे वो सब बंद हो गए। अब मैं हर साल धीरे 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 करके मेरे से ये देवी दर्शन देवताओं के दर्शन कर लेती थी। एक मिनट, क्योंकि ये 2 साल मेरे बिल्कुल ही निकल गए हैं, इसलिए कई ऐसे छूट गए हैं, कई दोबारा भी हो गए हैं, तो इनको कंप्लीट करना है। दिवाली के पहले पहले 9 देवियों का मैं दर्शन कर लूँगी। तो शुरुआत मैंने की थी फ्रॉम माउंट आबू, आबू गए थे तो अर्बुदा देवी, एंड देन आफ्टर अर्बुदा देवी अम्बा जी,
एंड देन वहाँ से उसके बाद मैं गई थी सुंदरा देवी, फिर त्रिपुरा सुंदरी, फिर वैसे मेरी पीताम्बरा माई, उनका भी हो गया था। और देशनोक पर फिर अपन ने काली माता, तीन देवियाँ थी वहाँ, नागनाथ जी माता, और आमेर में कल शिला माता, और आज बहुत अच्छी तरह से पूजा का समापन और देवियों के दर्शन। अब मुझे लगता है कि आठ देवियों के अच्छे दर्शन हो गए तो नौवीं देवी ने भी उसका समापन बढ़िया तरीके से करवा दिया। बहुत अच्छी पूजा हो गई आज शाकंभरी माई के। तो मेरे जो संकल्प था कि दिवाली के पहले पहले मैं उसको निपटा मैंने मिल लूंगी, जाग के दर्शन कर आऊंगी, वो मैंने कर लिया। बड़ी समस्याएं हमारी होती जा रही है। सबसे पहले तो समस्या थी एक्सेस बरसात की, जिसकी वजह से छह महीने पहले फसल खराब हुआ था, और अब भी एक्सेस बरसात की, ज्यादा बरसात होने की वजह से आपका अभी भी फसल खराब हुआ है। मैं देख रही हूँ कि इतने दिन से नेता लोग सब घूम रहे हैं, कोई कहीं घूम रहा है तो कोई कहीं घूम रहा है, पर तो किसी ने भी आज तक, स्पेशली गहलोत साहब जिनका ये काम है और जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लंपी और आपके मुआवजे की बात है, उनको तो मैंने इम्पोर्टेंट ही नहीं लगा। अब मैं सुन रही हूँ कि उन्होंने कुछ कहा है कि बहुत जल्दी दे देंगे, और हम लोगों के सबके दिमाग में क्वेश्चन मार्क लगता है जब ये बहुत जल्दी दे देने की बात करते हैं, क्योंकि 10 दिन में वो आपको मुआवजा क्या बोलते हैं आपको, ऋण माफी का 10 दिन के अंदर वो करने वाले थे, वो भी नहीं हुआ। पिछले बार भी, पिछले साल भी उन्होंने यही कहा था जहाँ फसल खराब हुआ था कि बहुत जल्दी करवा देंगे, वो पिछले साल का ही अभी तक नहीं हुआ है। तो इस साल के ये दो जो खराबे हुए हैं उसका क्या, मैंने कौन विश्वास कर सकता है कि ये सरकार करके देगी। सब लोग अपने अपने कुर्सी में बिजी हैं, सब लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, किसी को मतलब नहीं है किसान का क्या हो रहा है, गाय का क्या हो रहा है। क्या बहुत कम समय बचा है, 350 दिन, अगर पूरे 18 तारीख तक आप उसको गिनो तो अप्रोक्सीमेटली 350 दिन। बट आप किसी भी सेक्शन को पूछ लो, चाहे वो युवा है रीट और मैंने पेपर लीक और इनकी बात करेंगे, आपके व्यापारी हैं उनकी अलग समस्या है, आपके किसान हैं उनकी अलग समस्या है, हर एक आदमी की कोई ना कोई समस्या है जो समस्या अभी तक सॉल्व नहीं हुई और सब दुखी। एक बिजली की चीज थी, आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि 50 यूनिट बिजली हम मुफ्त सब लोगों को दे देंगे, परंतु जो हमने सब किसानों से बात की अभी, उनका ये कहना है कि 1 और 2 रुपए प्रति यूनिट बढ़ गया है, घटा नहीं है बिजली के दाम जो है, और ये सरचार्ज भी फ्यूल का लगा दिया गया है, तो नेचुरली बिजली के प्राइसेस ऊंचे हो रहे हैं। जो बिल कंपैरिजन कर रहे थे वो लोग कह रहे थे कि आपके टाइम के बिल और अब के टाइम के बिल के अंदर 1.5 गुना फर्क है, तो बहुत महंगा है, कैसे मैनेज करेंगे लोग। अपने जो बिजली आती है जगह जगह जहां भी मैं गई हूँ, कहते हैं आती है जाती है, और जितना प्रॉमिस किया है वो हमें नहीं मिलती। तो इसी तरीके से अभी बजट के अंदर भी उन्होंने प्रॉमिस किया था बिजली के लिए, चिंता मत करो हम बिजली भी आपको सही तरीके से देंगे, ये तो प्रॉमिसेस रहते हैं किसानों को। और हम आपको किसानों को आपके जो जितने कनेक्शन बाकी बच रहे हैं वो सब कनेक्शन हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो मैंने पता किया तो कितने कनेक्शन, वो कह रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली 4 लाख कनेक्शन, 4 लाख कनेक्शन। तो कुछ साल, इस साल का कुछ हिस्सा बचा हुआ है, अगले साल का है कुछ हिस्सा बचा है, उसके अंदर उनको 4 लाख खत्म करने हैं। अभी तक उन्होंने 20,000 ही किए हैं, तो ये 4 लाख माने एक साल में 2-2 लाख तो होने चाहिए थे, वो कंप्लीट तो होने वाला है नहीं। मुझे नहीं समझ में आता कि ये 4 लाख कोई किस तरीके से कंप्लीट करेंगे, तो उसी तरीके से वादा होगा जिस तरीके से वादा उन्होंने कई चीजों में अभी तक किया है।